हेलो एंड वेलकम टू 127 एपिसोड ऑफ लो बैक पेन सीरीज। आई एम डॉक्टर वरुण वासिल और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे नेवर गेट पैनिक फ्रॉम बैक पेन और डिस्क बल्ज। मैं आपको इस वीडियो में ऐसे 5 पॉइंट्स बताऊंगा जिसमें आपको श्योरिटी हो जाएगी कि हमें डिस्क बल्ज से क्यों नहीं डरना चाहिए, क्योंकि एक ऐसी प्रॉब्लम है जब भी स्लिप डिस्क, हर्निएटेड डिस्क, सियाटिका इसका नाम आता है तो सभी लोग डर जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है स्पाइन में पता नहीं ऐसी कौन सी प्रॉब्लम हो गई है। तो ऐसे 5 पॉइंट्स मैं इस वीडियो में कवर कर दूंगा जिससे आपका डर भी निकल जाएगा और ये आपने वीडियो शेयर भी करना है ताकि जिसको भी ऐसी प्रॉब्लम होती है उसको भी डर ना लगे, क्योंकि ये ऐसी प्रॉब्लम है चाहे हमारे जो लोग इंडिया में रहते हैं या जो फॉरेन में रहते हैं, स्पेशली जो स्टूडेंट्स गए हैं उनको इतनी जल्दी मेडिकल हेल्प नहीं मिलती, या जो अब्रॉड में रहते हैं वो भी देखते रहते हैं कि कब हमें इसका इलाज पता लगे, तो वो घबरा जाते हैं। तो पैनिक नहीं होना है, घबराना नहीं है। ऐसे 5 पॉइंट जिसमें आपका जो डर है वो बिल्कुल निकल जाएगा वो हम इस वीडियो में बात करने लगे हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो चलिए चलते हैं अपने फर्स्ट पॉइंट पे। तो जब भी आपको डिस्क बल्ज होती है तो सबसे पहले ये सोचिए कि मैं अकेला नहीं हूँ जिसे मुझे ये प्रॉब्लम हो गई है। ऐसा क्यों? क्योंकि लोगों को लगता है पता नहीं कौन सी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉब्लम हो गई है जो सिर्फ मेरे साथ ही हुई है। अब मुझे तो काम भी करना है, मुझे तो अपने सारा वर्क भी देखना है, घर का काम भी करना है, तो ये कैसे होगा? यही जो चीज़ है हमें डराती है। तो सबसे पहले तो अपने आप को कूल एंड काम रखिए कि ये प्रॉब्लम आ गई है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों को ऐसी प्रॉब्लम है। सबसे पहले तो उनका ये माइंड क्लियर नहीं होता, उसको लगता है पता नहीं मुझे एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉब्लम आ गई जिसका कोई इलाज नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, इसका बिल्कुल इलाज है। तो सबसे पहला पॉइंट हमने ये ध्यान में रखना है, ये एक कॉमन प्रॉब्लम है जो किसी को भी हो सकती है। सबसे पहला तो लोगों को ये लगता रहता है कि मुझे क्यों हो गई है, मैं तो ऐसा रहता हूँ, मैं तो वैसे रहता हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई कैसे भी रहता हो, इवन के प्लेयर हो, चाहे आप प्लेयर हो, चाहे आप इतनी ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हो, तो जिसको ये होना है डिस्क बल्ज उसको हो ही जाता है। इसकी रेमेडी भी अच्छी है, वो नेक्स्ट पॉइंट में मैं बताता हूँ। तो ये कोई एक कॉमन प्रॉब्लम है जो किसी को भी हो सकती है, पहला पॉइंट, इसलिए हमें डरना नहीं है। सेकेंड पॉइंट, इसका ट्रीटमेंट है। अब ये पॉइंट मैं इसलिए पहले बता रहा हूँ क्योंकि लोगों को लगता है पता नहीं इसका ट्रीटमेंट ही नहीं है, क्योंकि जब भी किसी से बात करते हैं वो लगते हैं ओहो तेरे को डिस्क बल्ज हो गया, अब तो इसको सारी ज़िंदगी हमें ऐसे ही चलना पड़ेगा, कि हमें ट्रीटमेंट नहीं है। तो हमने लोगों की बात नहीं सुननी। इसके 3 तरह के ट्रीटमेंट हैं। पहला मेडिसिन वाइज है, एक्सरसाइज वाइज है, और अगर लास्ट में कुछ भी काम ना करे तो सर्जरी भी है। तो इसलिए इसके ट्रीटमेंट हैं। तो जब भी आपको ये प्रॉब्लम आती है तो आपने ये नहीं डरना कि मुझे इसका ट्रीटमेंट नहीं है तो मेरे को तो सारी ज़िंदगी ऐसा झेलना पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, सारी ज़िंदगी वाली कोई बात नहीं है, आप सब कुछ आराम से इजीली कर पाओगे, पर इसका ट्रीटमेंट है। तो थर्ड पॉइंट है हमारा, एवरी बैक पेन और डिस्क बल्ज इज़ नॉट सेम। तो जब भी लोग एक दूसरे से बात करते हैं, मोस्टली इंडिया में कल्चर ये है कि अपनी प्रॉब्लम जो किसी को बताते हैं तो वो तो पहले ही एडवाइस देने को तैयार होते हैं कि मुझे भी ये प्रॉब्लम हुई थी, मैंने ये किया था, तो इसलिए तू भी ये कर ले शायद ठीक हो जाए। अगर जो पेशेंट अभी तक ठीक नहीं हुआ है वो ये डीमोरलाइज करता है दूसरे पेशेंट को कि इसका कोई इलाज नहीं है, तो ये तो तेरे साथ ऐसे ही रहेगा, तो तू इसका जैसे तूने देखना है वैसे देख। ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है, और आपने ये हमेशा याद रखना है कि जो उसकी डिस्क बल्ज हुई थी या बैक पेन हुई थी वो आपकी बैक पेन से डिफरेंट ही होगी, क्योंकि हो सकता है सेम भी हो पर डिफरेंट भी हो सकती है। तो इसलिए हमने कंपेयर नहीं करना है एक दूसरे को, क्योंकि उसके लाइफस्टाइल, उसका जो खाना पीना है और उसका जो मेडिकल कंडीशन है या उसकी एज या उसका सिटिंग सिस्टम, तो ये सारी चीज़ें, इतने सारे फैक्टर्स हैं जो लोग कभी कंसिडर नहीं करते दूसरे को एडवाइस देने से पहले। तो पहला मैंने पॉइंट बता दिया था कि ये कॉमन प्रॉब्लम है, दूसरा इसका बिल्कुल ट्रीटमेंट है, और थर्ड मैंने बता दिया कि सबका ये प्रॉब्लम सेम नहीं होता, डिफरेंट डिफरेंट होता है, इसलिए हमने किसी की बात नहीं सुननी। आपने ऑर्थोपेडिशियन से, फिजियोथेरेपिस्ट से, आपके जो भी डॉक्टर हैं उससे आप गाइडेंस लीजिए, उनसे आपको पता लगेगा कि आपको क्या हुआ है। तो अब चलते हैं फोर्थ पॉइंट पे। फोर्थ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये लोगों को लगता है कि अब जो मुझे प्रॉब्लम हो गई है ना, अब ये इसके बाद मैं अपने कोई भी काम नहीं कर पाऊँगा। सबसे पहले जो लोग जिम जाते हैं उनके माइंड में आता है अब मेरा जिम छूट गया। सेकंड, जो अपने घर पे काम पे जाते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं, उनको लगता है मेरी ट्रैवलिंग छूट जाएगी। थर्ड, जो ज़्यादा सिटिंग करते हैं उनको लगता है मैं सिटिंग कैसे करूँगा, मुझसे बैठा नहीं जा रहा। अभी जो आपको सिम्टम आ रहे हैं प्रॉब्लम के, वो आपके प्रेजेंट सिम्टम है। ऐसा नहीं है कि जब तक ये प्रॉब्लम चलेगी ये सिम्टम प्रेजेंट ही रहेंगे, ऐसा नहीं है। आपके सिम्टम भी कम होते जाएंगे, प्रॉब्लम भी सॉल्व होती जाएगी। एक बार वो सॉल्व हो गई तो आप लाइफ लॉन्ग अपना जो भी काम करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। इसके लिए मैंने वीडियो स्पेशली बनाया हुआ है, उसको आपने ज़रूर देखना है कि मैं अपने जो भी काम है वो कैसे कर सकते हैं।
फोर्थ इम्पॉर्टेंट अदर फीमेल्स के लिए स्पेशली कि प्रेगनेंसी हम कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे बैक पेन के बाद, तो आप ज़रूर उसको कर सकेंगे। अपने गायनी वाले से ज़रूर कंसल्ट कीजिए, अपने फिजियोथेरेपिस्ट ऑर्थोपेडिशियन सबसे कंसल्ट कीजिए, तो आपको ये क्लियर भी हो जाएगा कि आपको किस तरह से, क्योंकि जो आपके सिम्टम आ रहे हैं वो अभी इस टाइम प्रेजेंट है, इस टाइम के लिए आपको मना किया जाता है कि ये मत करिए, तो आपको लगता है पता नहीं लाइफ लॉन्ग अब मुझे करना ही नहीं, क्योंकि डर ही इतना बिठाया हुआ है लोगों ने, तो आपने इस काम के लिए बिल्कुल डरना नहीं है। एक बार पेशेंट ठीक हो जाए तो वो सब काम दोबारा कर सकता है। ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं अपने फिल्म स्टार्स के लिए भी, या जो अपने प्लेयर्स हैं उनको भी ये चीज़ हो चुकी है और वो दोबारा से अपना काम उसी तरह से कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिफ्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको बिल्कुल डर से निकाल देगा वो है हमारा सुकून फिजिकल थेरेपी का लो बैक पेन सीरीज। जब भी किसी को ये प्रॉब्लम आती है उसको बोलिए कि आप ये सीरीज़ देख लीजिए, इसमें सियाटिका के बारे में, हर्नियेटेड डिस्क, डिस्क बल्ज, लो बैक पेन और पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम, फेसेट आर्थ्रोपैथी, लिगामेंटम हाइपरट्रॉफी, स्पोंडिलोलिस्थेसिस, स्पोंडिलोलाइसिस, जो भी आपको बैक पेन से रिलेटेड एमआरआई में आपके एमआरआई कैसे देखते हैं, जो भी चीज़ें आपको समझनी है वो सारी आपको, क्योंकि ये देखिए 127th एपिसोड में बना रहा हूँ, तो 126 एपिसोड्स में सब आपके लिए ही हमने कंटेंट भरा हुआ है। तो जिसको भी ये प्रॉब्लम आती है उसको बोलिए आप बस YouTube पे जाके सुकून फिजिकल थेरेपी लो बैक पेन सीरीज सर्च कर लीजिए, सारे वीडियोस आ जाएंगे, आपको पता लग जाएगा क्या करना है। फिर भी आपको कुछ समझ नहीं आता तो आप नीचे लिखे नंबर पे जाके मुझसे 1-to-1 कंसल्ट करने के लिए नीचे लिखे नंबर पे जाके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। ये पेड सर्विस है, इसको आप 1-to-1 कंसल्ट करने के लिए पेमेंट पे करके आप मुझसे अपॉइंटमेंट बुक करके 1-to-1 कंसल्ट कर सकते हैं। उसमें हम आपको जो आपकी प्रॉब्लम है वो आप हमें बता सकते हैं उसके रिलेटेड, क्योंकि इतनी सारी वीडियोस में आपने क्या करना है ये कई बार हमें पता नहीं लगता, उसी में से स्पेसिफिक जो आपकी प्रॉब्लम जान के रिपोर्ट देख के स्पेसिफिकली इतनी सारी वीडियोस में आपको कौन सी वीडियो चाहिए वो आपको भेज दिया जाएगा। तो इसलिए इस तरह से जब भी आपको ये प्रॉब्लम आती है, मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पस ये था कि जो इतने लोग डरे होते हैं, क्योंकि स्पेशली जब हमें फॉरेन से कॉल आते हैं क्योंकि उनका जो अपॉइंटमेंट का सिस्टम है थोड़ा डिले है, जैसे आपको आज प्रॉब्लम है तो वो क्या करेंगे 2 weeks या 3 weeks के बाद अपॉइंटमेंट आ रहा है, कुछ ऐसा सिस्टम है उनका, उनका मेडिकल सिस्टम थोड़ा हमसे डिफरेंट है। आप एकदम से जाके इस तरह से कह नहीं सकते कि मुझे प्रॉब्लम है तो MRI कर दीजिए, प्रॉब्लम है तो मुझे ये दे दीजिए, तो वो आपको बड़ा कंजर्वेटिवली धीरे धीरे, उनको पता है कि इतनी मेजर प्रॉब्लम नहीं है, ये आपको भी जानना पड़ेगा कि इतनी मेजर प्रॉब्लम नहीं है, पर दर्द जो है वो हमें पैनिक क्रिएट करता है, डिस्क बल्ज है, किसी से बात करते हैं तो वो पैनिक क्रिएट करता है, तो ये पैनिक वाला सिस्टम, ये 5 पॉइंट्स, जिसको भी आपको ये लगता है कि प्रॉब्लम है और वो डरा हुआ है, इसको ये वीडियो भेज दीजिए, शेयर करिए, लाइक कीजिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इसका एक भी वीडियो मिस करने वाला नहीं है। और मुझसे 1-to-1 कंसल्ट करने के लिए नीचे लिखे नंबर पर जाके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। लो बैक पेन से रिलेटेड कोई भी आपको प्रोडक्ट चाहिए तो हमारी वेबसाइट sukoonphysicaltherapy.com पे जाकर आप उसको ऑर्डर कर सकते हैं, या नीचे लिखे नंबर पे जाके भी कॉम्बो को ऑर्डर कर सकते हैं। हैव ए नाइस डे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।